इस दुनिया का पहला शहर, इस वर्ल्ड का आखिरी शहर काशी। प्रभास का चलचित्र कल्कि 2898 AD बॉक्स ऑफिस रे आशा ठारु भल प्रदर्शन करुछि। रिलीज देबार प्रथम दिनरु एही चलचित्र दर्शकक ठारु भल पाइबा साउंटुछि। सिनेमा घर बाहरे दर्शकक भीड़ बखाणुछि एहार सफलता। प्रत्येक दिन सिनेमाटी भल व्यवसाय करुछि। लोगों को बचा सकते हो? एक की रक्षा करनी, केवल एक। ये 6000 सालों पहले देखा था, वो शक्ति वापस आ गई है, यानी अब रोशनी आने का समय आ गया है। फिल्म रिलीज होबार गोटे सप्ताह मध्य बेस्ट लोकप्रियता हासिल करी। बॉक्स ऑफिस रे एही सिनेमा टी चहल सृष्टि करी। कल्कि 2898 AD रिलीज रो षष्ठ दिन रे अर्थात प्रथम मंगलवार रे भलो आय करी रेकर्ड सृष्टि करी। नाग अश्विन का फिल्म कल्कि 2898 AD बॉक्स ऑफिस रे बेस्ट भलो व्यवसाय करी। प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन एवं कमल हासन एही चलचित्र रे अभिनय करिछंती। एही फिल्म टी बॉक्स ऑफिस रे प्रतिदिन नुआ रिकॉर्ड मध्य सृष्टि करूछि। कॉम्प्लेक्स में थे 1 मिलियन यूनिट्स है क्या तेरे पास? कुछ नहीं बचा। मेरे जैसे कितने लोगों के लिए आप हीरो जैसे हैं। मेरे साथ आ जाओ। कल्कि 2898 AD रो रोजगार विषय रे कहबा को गले एही चलचित्र रिलीज होबार प्रथम दिन रे 95.3 कोटी टंका, द्वितीय दिन रे चलचित्र 68.3 कोटी टंका रोजगार करथिला, तृतीय दिन रे एहार आय 66.2 कोटी टंका, चतुर्थ दिन रे 88.2 कोटी टंका रो व्यवसाय करथिला, एहा परे पंचम दिन रे एहार आय 34.15 कोटी टंका रहिथिला। वर्तमान कल्कि 2898 AD रिलीज होबार षष्ठ दिन रो आय रो प्रारंभिक आकलन मध्य आसी। रिपोर्ट अनुसार कल्कि 2898 AD रिलीज होबार षष्ठ दिन रे अर्थात प्रथम मंगलवार रे 27.85 कोटी टंका आय करिछि। षष्ठ दिन रे एही चलचित्र तेलुगु भाषा रे 11.2 कोटी, तमिल रे 1.2 कोटी, हिंदी रे 14 कोटी, कन्नड रे 0.25 कोटी एवं मलयालम रे 1.2 कोटी संग्रह करिछि। या सहित कल्कि 2898 AD रो 6 दिन रो मोट आय 371 कोटी छुइछि। डरो मत, एक नया युग आ रहा है। फिल्म टी तेलुगु रे 6 दिन रे 193.2 कोटी टंका आय करिछि। तमिल रे एपर्यंत फिल्म रो आय 21 कोटी टंका रहिछि। सेहिपरि हिंदी रे 6 दिन रे कल्कि 2898 AD रो मोट संग्रह 142 कोटी टंका रहिछि। कन्नड रे एही चलचित्र टी 2.4 कोटी टंका एवं मलयालम रे कल्कि 2898 AD रो 6 दिन रो आय 12.4 कोटी टंका रहिछि। खुद के साए। वीडियो को लाइक करन तो, आमो चैनल को सब्सक्राइब करन तो, आमरे नुआ नुआ वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पाई बेल आइकन को निश्चित दबान तो।